आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एच पी कोर्ट जे वै टी पेपर ये पेपर आपका 2021 में हुआ था और इस पेपर का मैंने कंप्यूटर पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया था काफ़ी पहले लेकिन जैसे कि आपको पता है कि दो दिन परसों आपका एच पी कोर्ट क्लर्क का पेपर है तो मुझे लगा इसका जेके पार्ट भी आपको कराना चाहिए इसलिए इस लेक्चर में आपको मिलेगा इसका कम्प्लीट जीके टोटल इसमें पचास क्वेश्चन आपके जीके के आए थे हिमाचल प्लस इंडिया जी के तो आपको इस लेक्चर में वो मिलेंगे ये आपका लेटेस्ट पेपर है जे का और क्लर्क का पेपर काफ़ी पहले हो चुके थे उनके उनके भी मैं कंप्यूटर आपको करा चुका हूँ और जितने भी आज जे हुए हुए हैं उनके भी कंप्यूटर में करा चुका हूँ और आज दिन को मैंने एक लेक्चर रिपोर्ट किया था एच पी हाई कोर्ट ड्राइवर का उसमें भी मैंने कंप्यूटर जी आपको करा दी है उसमें भी कम से कम बावन क्वेश्चन जी के करा कराए हैं इस इस लेक्चर में आपको मिलेंगे पचास प्लस क्वेश्चन एच पी एच एच पी प्लस एन डी के जो आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम एच पी हाई कोर्ट क्लर्क जो आपका एक मई को है साढ़े दस से साढ़े बारह के बीच चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर विल द समर ओलंपिक हेल्ड इन ईयर 2020 हजार बीस इसका आंसर है आपका टोक्यो अगला क्वेश्चन है सुमो रेसलिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री दैट इज जापान नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री इज नॉन एज कीवी न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर वट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा ये सारे आंसर आपके फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग होंगे किसी वैसी कोई गलती नहीं होगी मुरे एंड डार्लिंग रिवर फॉल इन विच कंट्री ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है माउंट ब्लैंक माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट इसका सही आंसर होगा यूरोप इज द राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है द सिटी ऑफ पोप इज वेटिकन द इनफेमस ड्रग पैडलर ई एल चापो इज ऑफ द विच नेशनैलिटी ऑप्शन सी मैक्सिको इज द राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा मैक्सिको रिवर एमेजन फ्लो इन विच कंट्री ये फ्लो करती है आपके ब्राज़ील में नेशनैलिटी ऑफ डेगो मैडोना इज अर्जेंटाइन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हु इज द सी ई ओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अगर बात सी ई ओ के हो तो आंसर होगा सत्य नडेला अगर बात हो आपके फाउंडर की तब आंसर होगा गेट ट्वेल्व हु इज़ दी ओनर ऑफ फेसबुक सबको पता है मार्क जुकरबर्ग इज द राइट आंसर हु इज़ दी ऑनर ऑफ ट्विटर ट्विटर के ऑनर कौन है जैक डॉसी लेकिन अभी हाल ही में एल एन मार्क्स ने ट्वटो को किया है बाय उन्होंने टोटो को खेल लिया है हेड क्वार्टर ऑफ यूनियन हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड इन ब्रूसर इज द राइट आंसर द डेली टेलीग्राफ इज़ पब्लिश फ्राम विच कंट्री यूनाइटेड किंगडम इन विच स्टेट ऑफ बद्रीनाथ लोकेटेड बद्रीनाथ आपका कहाँ पर है उत्तराखंड में वेयर इज़ द रामेश्वर लोकेटेड रामेश्वर आपका है तमिलनाडु में इसमें आपको डैट क्वेश्चन स्टडी पूछे जाते हैं हु इज़ हु इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोई जगह पूछते हैं आपको कोई प्लेस पूछते हैं कोई टेम्पल पूछते हैं इसलिए अपनी चढ़ाइ को आप काफ़ी हार्ड रखें और जो आपकी स्टडी जगह होती है उसको भी ध्यान रखिए क्लर्क के लिए वेयर इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड पदमन भा पदमन भा आप कहाँ पर है केरला में लॉर्ड सोमनाथ टेम्पल इज वेट जो आपका सोमनाथ का टेम्पल है वो आपका किस स्टेट में है गुजरात स्टेट के अंदर नेम द टू हाउसेज ऑफ यूनि पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा का बोलते हैं लोअर हाउस एंड राज्यसभा का बोलते हैं अपर हाउस वेयर इज द मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड जो आपका मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर ट्वेंटी टू इन विस स्टेट इज गिर नेशनल पार्क जो आपका गिर नेशनल पार्क है गुजरात में है नेम दी सेंचुरी इन असम मिनट फॉर रेन कोरियस इसका आंसर होगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क इन विस स्टेट सुंदरबन डेल्टा सुंदरबन डेल्टा आपका कहाँ पे है वेस्ट बंगाल में इन विच सिटी माँ कामाख्या टेम्पल टेम्पल देखियो किन्ने क्वेश्चन आ चुके हैं चार पाँच क्वेश्चन आपके टेम्पल के आगे जो माँ कामाख्या टेम्पल आपका ये आपका है गुवाहाटी के अंदर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ एच पी हाई कोर्ट हनेबल मिस्टर जस्टिस मसूर अहमद मीर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इज़ द राइट आंसर विच चीफ जस्टिस ऑफ एच पी हाई कोर्ट वॉज एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जस्टिस आर एस पाठक इज द राइट आंसर विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर इज करेक्ट आंसर द नेशनल एम्बलम इज डिज़ाइन अडॉप्ट फ्राम विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा अशोक पिल्लर वेयर इज लॉर्ड ब्रह्मा जी टेम्पल लॉर्ड ब्रह्मा जी का टेम्पल आपका कहाँ पे है इंडिया के अंदर ये आपका है ये आपका है इसका सही आंसर होगा आपका पुष्कर पुष्कर में आपका है लॉर्ड ब्रह्मा जी का टेम्पल क्लियर हाउ मेनी डिस्ट्रिक आर देयर इन एच पी हिमाचल देश में आपकी कितनी डिस्ट्रिक है बारह सबको पता है वट इज़ दी नेम ऑफ प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ एच एच पी एच पी के प्रेजेंट आपके चीफ जस्टिस कौन है ये क्वेश्चन आप ए पेपर आपका दो हज़ार इक्कीस में हुआ है इसलिए इसका आंसर हुआ जस्टिस एन नारायण स्वामी लेकिन अब आपके जो चीफ जस्टिस है एच पी के हाईकोर्ट के वो चेंज हो चुके हैं कौन है मोहम्मद रफीक और अगर बात की जाए एडवांस नॉलेज की तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये किस नंबर के हैं ट्वेंटी सिक्स नंबर के हैं ये आपके सी जी आई है सी जी है आपके एच पी हाईकोटरी वट इज दी संस नेम ऑफ रिवर सतलुज सतलुज सतुज का आपका संस नेम क्या है शताद्रु। चंद्रा एंड भागा मेट एट विच प्लेस चंद्रा एंड भागा नदी है वो आपके हिमाचल देश में कहाँ है? मिलते हैं टाँडी नाम के स्थान पे। टाँडी एक जगह है वहाँ पर इनका मिलन होता है वेयर इज दी तिलोकीनाथ टेम्पल जो आपका त्रिलोकीनाथ टेम्पल है एचपी में कहाँ पर है उदयपुर में और उदयपुर आपका कहाँ पर है लाहौल स्पीति में क्लियर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी रिवर रावी फ्लो जो अभी का रावी का जो फ्लो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है चंबा डिस्ट्रिक्ट में कुल्लू इज लोकेट और इन द बैंक ऑफ विच रिवर कुल्लू आपका व्यास नदी के पास है वेयर इज महिमा लाइब्रेरी जो आपकी महिमा लाइब्रेरी है डिस्ट्रिक्ट सिमौर में है और सिमौर के अंदर कहाँ पर है नाहन के अंदर ऑप्शन है आपका सही अंदर आंसर होगा सुवान रिवर जो आपकी सुवान रिवर है उसका फ्लो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है एच पी में डिस्ट्रिक्ट ऊना वेयर इज दोविंद सागर लेक लोकेटेड जो आपकी गोविंद सागर लेक है वो आपकी है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टपुर में किस नदी पे सतलुज पे इसकी लेंथ कितनी है नाइन्टी किलोमीटर और अगर बात की जाए इसकी एरिया की वन सेवेंटी किलोमीटर स्क्वायर और आपकी जो गोविंद सागर लेक है ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है सबसे बड़ी वट इज़ द नेम ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ एच पी वेस्टर्न टॉपिकन जिसको बोलते हैं जुजुराना वट इज़ द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ एच पी डेट इज़ द स्नो लिपर्ड बर्फानी तेंदु तेंदुआ आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन है आपका एचपी का इंटरनेशनल शिवरात्रि फेल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी डिस्ट्रिक्ट मंडी इज द राइट आंसर द साइट ऑफ रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड रघुनाथ जी इज कुल्लू और एक बात आप याद रखेंगे आपको जो कलर का पेपर आएगा वो आपका प्योर इंग्लिश में होगा हिंदी में आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है और इस बात ऐसा नहीं होगा और आपकी होगी वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग इसको भी आप ध्यान पर रखेंगे जो क्वेश्चन आता होगा वही आप करेंगे वट इज़ द नेम ऑफ सीट इन एच पीजिस लेजिस्टिव असम्बली विधानसभा में आपकी सीटें कितनी है सिक्सटी एट और आपको हर स्टिक्ट की सीट पता होना चाहिए हु आज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो आपके पहले चीफ मिनिस्टर थे एच पी के डॉक्टर वाई एस परमार यशवंत सिंह परमार और ये आपके चार बार बन चुके हैं सी एम सबसे पहली बार कब बने थे नाइनटीन फिफ्टी टू में आपके जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उन्नीस सौ बावन में हुए थे और अगर बात की जाए लोकसभा की उन्नीस सौ इक्यावन क्लियर हु आज दी फर्स्ट गवर्नर ऑफ एच पी एच पी के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो आपके थे श्री एस चक्रवर्ती और अगर बात लेटेस की जाए लेटेस्ट की लेटेस्ट कौन है आपके श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ये आपके ट्वेंटी वन नंबर के गवर्नर है हॉन एवर मिस्टर जस्टिस महेश चंद्र महाजन बिलोंग टू तो विस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी जो आपके महेश चंद्र महाजन थे उनका बिलोंग उनका डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के थे फोर्टी नाइन माता चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ एच पी जो चिंतपूर्णी माता का टेम्पल है वो आपके एच पी में कौन से सब डिवीजन में है जी ये आपका आता है अम्ब में के अंदर एक अम्ब जगह है उसके अंदर ही आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया क्वेश्चन था आपका माता ज्वाला जी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सब डिवीजन ऑफ एच पी यहाँ बात की गई है सब डिवीजनल की जहाँ पर ही है उसकी सब डिवीज़न इधर इधर सबको पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है लेकिन इसका आंसर कांगड़ा नहीं होगा ना 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 दोड़ा होगा ज्वाड़ी भी नहीं होगा देहरा भी नहीं होगा इसी उसको स्क्रैप किया गया स्क्रैप इसे किया गया क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ज्वालामुखी ज्वालामुखी कहीं पे भी आंसर में नहीं है क्वेश्चन में नहीं ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको स्क्रैप किया गया ज्वालामुखी इज द राइट आंसर माता ज्वाला जी टेम्पल तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किए टोटल पचास क्वेश्चन जी के जिसमें से आपके तीस एच के थे और बीस इंडी जी के नेशनल इंटरनेशनल प्लस एच पी जी के टोटल पचास क्वेश्चन खत्म हुए और तीस क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के थे उनको मैं आपको पहले करा चुका हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम क्लर्क एच पी हाई कोर्ट का जो आपका एक मई हुआ है आपको हेल्प कर सकते हैं चाहे यहाँ से एक ही क्वेश्चन आया चाहे दो क्वेश्चन आए लेकिन आपको हेल्प मिलनी चाहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ नए टॉपिक के साथ नए पेपर के साथ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लर्क एग्जाम हेल्ड ऑन फर्स्ट मई थैंक यू हैव अ नाइस डे